हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हीरा भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो पीपल, टुडे आई एम इन नेपाल एंड मैं अभी नेपाल में खड़ी हूँ। एंड अभी जस्ट मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा है। सो आई एम इन माय नेबरिंग कंट्री टुडे एंड आई एम इन नेपाल। सो यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं? एंड बाय द वे, मैं नेपाल मिरिक से आई हूँ, मिरिक की साइड से। तो अगर आप भी सिलीगुड़ी से, मिरिक से नेपाल आना चाहते हैं तो आपको इस ब्लॉग में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कोई परमिट चाहिए, क्या आईडी कार्ड लगता है। सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में पता लगेगी। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू एंटर इन टू द नेपाल। वैसे मैं नेपाल में एंटर कर चुकी हूँ, बट पीछे ही ये पूरा बोर्ड है। सो अभी मैं जा रही हूँ नेपाल में घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड। सो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत ही डिफरेंट ब्लॉग है। एंड आई थिंक मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी है। आई डोंट नो कि मैं इसको इंटरनेशनल बोलूं भी या नहीं, बट ऑब्वियसली नेपाल इज अ डिफरेंट कंट्री, सो इट्स अ स्मॉल इंटरनेशनल ट्रिप एंड वन डे का ट्रिप रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप एंड तक वॉच करिए, आपको पता लगेगी। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो। एंड चलिए मेरे साथ घूमिए आप नेपाल। सो गाइस, मिरिक से नेपाल तक जाना बहुत ही आसान है। एंड यहाँ से हम जाएंगे पशुपति फाटक, जहाँ से बेसिकली इंडिया नेपाल का बॉर्डर स्टार्ट होता है। सो जो लोग दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं वो अपनी आइटनरी में मिरिक को या फिर ये जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है इसको भी इंक्लूड करते हैं। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मिरिक में एक्सप्लोर करने के लिए क्या है। एंड आज हम जाएंगे मिरिक से इंडिया नेपाल के बॉर्डर में, एंड हम नेपाल में एंटर भी करेंगे, तो जो आप आगे ब्लॉग में देखेंगे। मैं तो ट्रैवल कर रही हूँ मिरिक से पशुपति तक जाने के लिए। कुछ आगे समय 1 घंटा ही लगना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ 20 किलोमीटर है फ्रॉम मिरिक। बाय द वे, पशुपति फाटक के लिए डेडिकेटेड टैक्सी भी चलती है फ्रॉम मिरिक, सिलीगुड़ी एज वेल एज दार्जिलिंग। बट अगर आपको डेडिकेटेड टैक्सी पशुपति के लिए नहीं मिल रही तो आप ये काम कर सकते हैं। आप सिलीगुड़ी से आ रहे हैं तो सीधा आप दार्जिलिंग की टैक्सी लीजिए क्योंकि रस्ते में ही पड़ता है पशुपति फाटक, तो आप वहाँ पर उतर जाना। बट अगर आप दार्जिलिंग की तरफ से आ रहे हो तो आप सेम वही मेथड अप्लाई कर सकते हो कि आप सिलीगुड़ी के लिए टैक्सी ले लो अगर आपको पशुपति के लिए नहीं मिल रही है डेडिकेटेड वाली। ओवरऑल कहने का मतलब है कि पशुपति रस्ते में ही पड़ता है, आपको कोई भी टैक्सी मिले वो आपको पशुपति ड्रॉप कर ही दे। अब मैं अपने दिन की शुरुआत सुबह अर्ली कर रही हूँ एंड सबसे पहले मेरा टास्क है थोड़ा कैश निकलवाना। सो द थिंग इज कि देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट ना हो, एंड बट इंडियन करेंसी वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है, तो मैं इंडियन करेंसी में ही थोड़ा कैश निकाल रही हूँ। एंड सबसे बड़ी बात, वहाँ पे हमारा सिम ही नहीं चलेगा, तो सिम नहीं चलेगा तो नेटवर्क नहीं होंगे, तो ऑनलाइन पेमेंट तो वैसे ही नहीं हो पाएगी। सो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आप ये ध्यान रखना कि नहीं एक्सेप्ट हो सकती। आपको यहाँ पे अपने साथ अच्छा कैश कैरी करना ही होगा, एंड मैं अभी सबसे पहला काम वही कर रही हूँ। वी हैव द कैश, लेट्स गो नाउ। सो देखिए गाइस, जिस तरह मैंने आपको अपनी दार्जिलिंग वाली ब्लॉग में ही बताया था कि यहाँ से ये वाला जो रोड है ये जा रहा है दार्जिलिंग की तरफ, एंड ऊपर देखिए क्या लिखा है, पशुपति फाटक। सो हियर इट इज़ शोइंग कि इट्स ओनली 14 किलोमीटर, बट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 20 किलोमीटर है जितना मैंने देखा था मैप पे। ये रोड आ रही है सिलीगुड़ी से, यहाँ से देखिए कितनी टैक्सीज निकल रही है, मिरिक की लोकल टैक्सी या फिर हमें दार्जिलिंग के लिए चाहिए शेयरिंग टैक्सी तो सब मिलेगी। अब ये वाली टैक्सी दार्जिलिंग की तरफ से आ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे वहाँ तक खड़े होना है, यहाँ से टैक्सी आ जाए। सो ये जर्नी बहुत छोटी सी होगी, लेस देन 1 आवर में हम इजीली नेपाल पहुंच जाएंगे, एंड बहुत छोटी सी जर्नी है, बट एंजॉय कीजिए थोड़े व्यूज को, फिर मिलते हैं हम बॉर्डर पे ही। सिलीगुड़ी से 250। ओके,
पशुपति एंड इस जगह को जाना जाता है पशुपति फाटक के नाम से, क्योंकि यहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। यहाँ से कुछ 10 कदम पर ही पशुपति का फाटक है इस साइड को। पशुपति की पीछे शॉप्स है, यहाँ पर टैक्सी लगी हुई है, बेसिकली छोटी सी मार्केट है। जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसका ब्लॉक तो देखो उसका क्लिप मैं नहीं शूट कर सकती, क्योंकि वहाँ पे ऑफकोर्स अलाउड नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी पुलिस है, कस्टम ड्यूटी का ऑफिस है वहाँ पे। तो फिर अब मैं बॉर्डर क्रॉस करके ही आपसे बात करती हूँ एंड रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, मेरे से क्या मांगा जाएगा। देखिए कोई परमिट नहीं लगता, कोई परमिट नहीं चाहिए, बट हाँ आई थिंक आईडी कार्ड वगैरह जरूर चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आई थिंक हो सकती है। बाकी देखते हैं, पता करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। एंड हाँ टाइम बताऊँ तो अभी कुछ 8:40 हो रही है, तो कुछ 40 मिनट में ही मैं मिरिक से पशुपति पहुँच गई। लेस देन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था एंड रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आज मौसम भी अच्छा है थैंकफुल। ऐसे इस जगह को मतलब हम जो भी नेपाल क्रॉस कर जाएंगे वहाँ पे लोग मिरिक की साइट सीइंग में इसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि पास में ही है मिरिक से, तो दार्जिलिंग की साइड सीइंग में भी इसको काफ़ी लोग इंक्लूड करते हैं। बट मैं इसका सेपरेट ब्लॉग बनाना चाहती थी ताकि मैं सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ आपसे शेयर कर पाऊँ। तो मैं क्रॉस करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम एंटर कर चुके हैं नेपाल में, आप देख सकते हैं वहाँ पर था बॉर्डर क्रॉस करने का, क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी मैं बताती हूँ आपको। अब वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पशुपति नगर नेपाल, वहाँ पे ही है कस्टम ऑफिस, आपको ऐसे दिख रहा होगा। एनीवे सो दिस इज नेपाल। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देखिए अगर कोई व्हीकल है तो व्हीकल का नंबर भी नेपाल में लिखा हुआ है। एंड गाइस हम एंटर कर चुके हैं नेपाल में। Now my plan is to go to the nearest market in Nepal and I guess Fikal है। Fikal बहुत ही famous market है यहाँ पे and मुझे बहुत सारी shopping करनी है for my upcoming trips and I'm going to Meghalaya soon। So Nepal के अंदर जा रहे हैं nearest market को explore करने के लिए, यहाँ पे खाना खाएंगे and देखते हैं क्या क्या और करते हैं, आज क्या plan है। पशुपति फाटक तक आ रहे हो तो definitely Nepal के अंदर जाके कुछ घूम कर भी आओ। तो चलते हैं अंदर अब। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है इलाम। तो अभी हम नेपाल की इलाम डिस्ट्रिक्ट में हैं। सो नेपाल में एंटर करते ही आपको यहाँ से प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा एंड मैं जा रही हूँ फिकल शेयरिंग टैक्सी में। तो फिकल यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर्स दूर है, तो यहाँ से हम जा रहे हैं अब वहाँ तक। एंड आई नो कि आपको जानना होगा कि बॉर्डर पर मेरे से क्या पूछा गया, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या चेक हुआ, तो वो मैं एक बार फिकल पहुँच जाऊँ फिर बताती हूँ आपको आराम से। एंड अभी लेते हैं शेयरिंग टैक्सी यहाँ से फिर। अभी यहाँ पे जब भी फुल हो जाएगी तब ये चलेगी एंड मेरे सिग्नल आने यहाँ पे बंद हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी आपका इंडिया का सिम है डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, चाहे वो प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, कुछ यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। अगर आपको यहाँ पे सिग्नल चाहिए तो आपको यहाँ पे नेपाल से ही एक सिम परचेज करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोकल यहाँ का सिम परचेज करके अगर आपको किसी अपने फैमिली वगैरह से बात करनी है तो आप ईजिली कर सकते हैं, बट इंडिया का सिम यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे हमें टाइम भी थोड़ा अलग ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे नेपाल हमसे 15 मिनट्स आगे है इंडिया के टाइम से। सो आपको 15 मिनट का डिफरेंस इंडिया और नेपाल के टाइम में देखने को यहाँ पर मिलेगा। ऑल्सो इंडिया के 100 रुपीज़ नेपाल में 160 रुपीज़ उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि करेंसी हमारी इंडियन की ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू है। जैसे कि मेरा ये जो फेयर था पशुपति फाटक से फिकल तक का, तो वो था 100 रुपीज़ इन नेपाली करेंसी, बट मुझे सिर्फ पे करने पड़े 60 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। एंड इंडियन करेंसी हर जगह एक्सेप्टेड है इन नेपाल। फाटक पे क्या मेरे से पूछा गया था, देखिए वहाँ पे कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, वहाँ पे कोई आपको परमिट नहीं चाहिए, वहाँ पे सिर्फ मेरा आधार कार्ड चेक हुआ एंड उन्होंने मेरी आधार कार्ड की डिटेल्स नोट डाउन करी, रजिस्टर करी। मतलब बस आपको अपना एक आईडी प्रूफ साथ में रखना है, कोशिश करना आधार कार्ड ही आपके पास हो। सो उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, बेसिक क्वेश्चन बस, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू क्रॉस
एंड कम इन टू आर नेबरिंग कंट्रियों का ये भी डाउट होता है कि अगर आप अपने खुद के व्हीकल में आ रहे हैं, मतलब अगर आपका इंडियन व्हीकल है तो क्या वो आपको बॉर्डर क्रॉस करने देंगे, तो उसका आंसर भी है यस। आप इजीली अपने व्हीकल से भी यहाँ तक आ सकते हैं। आपने कोई अपना व्हीकल रेंट पर भी लिया हुआ है या फिर आपने प्राइवेट टैक्सी की हुई है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दार्जिलिंग और मेरे को सिलीगुड़ी, देन आप उसी गाड़ी में यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मना नहीं है। सब करते हैं व्हीकल को एक्सप्लोर, कुछ खाते पीते हैं, चलिए मेरे साथ। गाइस, काठमांडू द कैपिटल ऑफ नेपाल इज जस्ट 12 आवर्स अवे फ्रॉम हेयर, सिर्फ 12 घंटे दूर है काठमांडू यहाँ से। एंड मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है वहाँ पे जाने का, सो मैं बस यहाँ तक ही आई हूँ। एंड जैसे कि आपको पता है ये सिर्फ मेरा डे ट्रिप है, बट बाय द वे यहाँ से अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप कन्याम भी जा सकते हैं। आप कन्याम में देखने के लिए बहुत सारे टी गार्डन्स जो मैं आपको दार्जिलिंग की वीडियो में, मिरिक की वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सो आज हम कन्याम नहीं जाएंगे, एंड कन्याम में देखने के लिए वैसे टी गार्डन्स है जो कि यहाँ पे इंडिया से अगर कोई आता है मिरिक के साइड से तो वहाँ तक जा सकता है। फिर मैंने यहाँ व्हीकल की मार्केट में थोड़ी सी शॉपिंग करी, ऑल्दो ये रेट्स आपको थोड़े ज़्यादा ही बोलेंगे, ऑफकोर्स टूरिस्ट को देख के हर कोई ज्यादा बोलता है, सबको पता है, तो बार्गेनिंग आपको करनी है। एंड देखिए कि मैं इंडियन रुपीस में पे कर रही हूँ एंड उसके बदले मुझे मिल गई यहाँ पे नेपाली करेंसी, तो फिर मैंने उसको संभाल के रखा एज अ मेमोरी। और यहाँ पे ये भेलपुड़ी भी खाई जो कि कहते हैं कि बहुत यम्मी होती है यहाँ पे ये। सो दिस इज भेलपुड़ी, भेलपुड़ी कहते हो ना उसको आप, क्या कहते हो? क्या? चटपट, झालमुड़ी, हमारे यहाँ भेलपुड़ी कहते हैं। हाँ, वहाँ भेलपुड़ी कहते हैं, भेलपुड़ी। हाँ, भेलपुड़ी। यार आई एम एंजॉयिंग माय भेलपुड़ी विद दिस व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई हूँ। एंड दिस इज मेन मार्केट ओनली, फिकल की मेन मार्केट है, ये फिकल का टैक्सी स्टैंड है, यहीं से मैं भी शेयरिंग टैक्सी लूँगी पशुपति फाटक वापस जाने के लिए। एंड एक टिप, एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा, अगर आपको वापस जाना है तो आप ज़्यादा लेट मत करना, यहाँ पे 5 बजे के बाद आपको कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, तो 4 बजे तक मैक्सिमम येस आप यहाँ से वापसी के लिए, अगर आपको सेम डे रिटर्न करना है या फिर जब भी रिटर्न करना है आप रिटर्न हो जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 बजे के बाद या 4 बजे के बाद ही कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, तो अपना सेफ साइड आप रह के वापस सही टाइम पे निकल लेना। एंड द व्यू इज़ वेरी नाइस बाय द वे, एंजॉइंग दिस। सो आप मेरा लक देखिए, जब तक मैं यहाँ पे घूम रही थी तब तक मौसम ने हमारा कितना साथ दिया, लेकिन अब इतनी तेज यहाँ पे बारिश आ रही है कि मैं बस अपनी शेयरिंग टैक्सी में जाके बैठ गई हूँ। एंड इतनी तेज बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है। एंड इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप अपने साथ अम्ब्रेला वगैरह कैरी करो अगर आप सितंबर या फिर अक्टूबर तक भी आ रहे हो तो। सर्दियों में तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बट हाँ इन मंथ्स में थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। आई एम बैक टू माई होम कंट्री नाउ एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। एंड रही बात काठमांडू, पोखरा, ये सब कवर करने की, ये सब एक्सप्लोर करने की, सो डेफिनेटली आई विल डू बट इन कमिंग टाइम इन फ्यूचर, तो तब जाएंगे। बट अभी ये जो मेरा 1 डे का ट्रिप था फ्रॉम इंडिया टू नेपाल, बहुत बहुत ही बढ़िया था। फ्रॉम हेयर आई विल गेट अ टैक्सी नाउ फॉर मेरिक एंड मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। बाकी आई रियली होप कि आपको मेरा ये 1 डे का ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू नेपाल पसंद आया हो, एंड इस तरह आप भी डेफिनेटली ये जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स है आपके इस ट्रिप से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नई सीरीज के साथ जो कि होगी मेघालय की। देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।